नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ रेड बेल पेपर जो आता है ना, उसका हम बनाएंगे पेस्ट। आप कितने लोगों को तो पता होगा, कुछ लोगों को तो नहीं पता होगा, बेल पेपर का भी पेस्ट बनता है। यस, जिसको टमाटर वगैरह ना पसंद हो और सब्जी कहीं पे भी रेड सॉस का इस्तेमाल करना हो तो उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे हम लोग पास्ता वगैरह बनाते हैं ना, उन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका हम पेस्ट किस तरह से आसानी से घर पर बना सकते हैं बिना मेहनत का, वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलो शुरू करते हैं बनाना। रेड बेल पेपर का पेस्ट बनाने के लिए, मतलब लाल शिमला मिर्च का पेस्ट बनाने के लिए, मैंने 4 शिमला मिर्च ले लिया है और वॉश कर लिया है, पहले ही वॉश कर लिया है अच्छे से। इसको इस तरह से हम कट करेंगे, अंदर का सीड जो रहेगा उसको हम निकाल देंगे, रिमूव कर लेंगे इस तरह से काट करके। मैंने यहाँ बड़े से पॉट में पानी ले लिया है 1 कप जितना, काट करके सीधा इसमें डालते जाएंगे क्योंकि हमें बॉईल करना है। तो पूरा हम इसी तरह से काट करके रेडी कर लेंगे, सीड हम पूरा रिमूव कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो है ना अंदर ये भी परत हम निकाल लेंगे इस तरह से। पूरा काट करके मैंने ले लिया है और पॉट को गैस पे रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये बढ़िया एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छा, मैं इसको पेस्ट को कम क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम तक हम इसको स्टोर करके नहीं रखेंगे। अगर मैं आपको ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखना है 2 से 3 महीने तक के लिए, तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना क्योंकि ये ना बन के बहुत थोड़ा सा ही होगा, एक बार में ही हम इसको यूज़ कर पाएंगे। इसको हम बना रहे हैं तो इसका रेसिपी भी बनाएंगे, मेरे ही चैनल पे आप देखोगे। तो इसको हम कुक होने देते हैं, बेल पेपर चेक कर लेते हैं, सॉफ्ट हो गया है, बढ़िया। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और स्ट्रेनर में हम निकाल लेंगे, काफ़ी अच्छे से एकदम कुक हो गया है। स्ट्रेनर में पूरा निकाल लिया है, पानी यहाँ पे है, इसको हम थ्रो कर देंगे और बेल पेपर को कम्प्लीटली ठंडा करके फिर हम इसको बारीक पीसेंगे। एकदम से ठंडा हो गया है, लेंगे मिक्सर जार, इसमें हम पूरा डाल देंगे, एकदम बारीक पीस करके निकाल लेते हैं हम। यहाँ ले लिया है कढ़ाई, इसी में हम बनाएंगे, किसी भी पैन में आप बना सकते हो। एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है, पूरा डाल देंगे, कोई तेल वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, इसमें हम 1/3 टीस्पून हम नमक डाल देंगे। कोई भी रेसिपी वगैरह अगर मैं बनाएंगे थोड़ा नमक समझ करके डालना, इसमें थोड़ा सा पड़ा हुआ है, एकदम थिक होने तक पकाना है। ये बेल पेपर का पेस्ट बन करके रेडी हो गया है, एकदम थिक हो गया है ना। और देख रहे होंगे पैन मेरा चेंज हो गया, पहले कढ़ाई में मैं बना रही थी ना लोहे की कढ़ाई में, तो पकाते पकाते एकदम गंदा हो गया था, दिख रहा था, दिखने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। और इसको पकाने के लिए ना, जब स्टार्टिंग में जब हम रखते हैं कुक होने के लिए, बहुत उछलता है, तो मेक श्योर ये करना कि कवर करके ही पकाना, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप उसको मिक्स करते रहना। जब एकदम थिक हो जाता है ना तब उड़ना बंद हो जाता है, कम्प्लीटली उछलना बंद हो जाता है, तब आप उसको ओपन करके पका सकते हो। अब ये पेस्ट रेडी हो गया है, मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। अब लॉन्ग टाइम रखने, मतलब ज़्यादा समय तक रखने के लिए हमें क्या करना है, नमक तो इसमें डाला ही है, इसमें हम तेल डालेंगे। अब ये क्वांटिटी कम है तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने तेल डाला है, कोई भी तेल आप डाल सकते हो, मैंने पीनट ऑयल डाला है। मिक्स कर देंगे, अब इसको कम्प्लीटली ठंडा करके हम फ्रीज़र में रखेंगे तो 2 से 3 महीने तक आराम से ये चल जाएगा। लेकिन मैं कम क्वांटिटी में बनाई हूँ तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी क्योंकि मैं इसी का रेसिपी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रेड शिमला मिर्च का पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट अमेजिंग होता है, बहुत बढ़िया होता है। अब इसी की रेसिपी मेरे चैनल पे जाएगी, आप चेकआउट कर लेना कैसे बनाते हैं। हम बनाएंगे पास्ता, इसका रेड ग्रेवी वाला पास्ता, वो
आई होप कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना। मेरे इस वीडियो को, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक जो नहीं होंगे इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।